YouTube पे आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जिनमें लोग कहते हैं कि मेरा ये YouTube कोर्स आप ले लो, एक दिन में बिलियनियर बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं YouTube के ऊपर, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो वॉच टाइम बोलते हैं कि हम आपको वॉच टाइम दे देंगे, सब्सक्राइबर्स भी देंगे, आप इतने अमाउंट हमें दे दो। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि एकदम से न्यू होते हैं और वो इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। प्लस में उन्होंने अगर अपने चैनल के ऊपर खुद से जो कुछ भी मेहनत की हुई होती है वो भी बर्बाद हो जाता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं, कभी कभार बातें होती हैं, मतलब आप लोग में से कोई लोग होते हैं रैंडमली, तो जो उनसे अगर उनकी कोई क्वेरीज होती है वो पूछते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं, तो उस टाइम मुझे पता चलता है कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि आपको अवेयर करना, वो इसलिए क्योंकि आपके साथ भी इस तरह का कोई भी फ्रॉड ना हो फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने नया चैनल क्रिएट किया है या फिर अभी आप करने वाले हो, जो कुछ भी है, तो किसी भी तरह के ऐसे सोशल वेबसाइट्स के चक्कर में मत पड़िएगा जो आपसे बोलेंगे कि हम आपको इतने रुपए में 1000 सब्सक्राइबर्स दे देंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम दे देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रख लो, मान लो कि आपने पैसे दे दिए, वॉच टाइम भी मिल गया आपको, सब्सक्राइबर्स भी मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि जो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिनती के लिए, यानी कि वहाँ पे एक डिजिट है 1000, वो डिजिट है बस। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, आपने वीडियो डाली उस पर फटाक से व्यूज आ गए, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ऐसा किया, आपने वॉच टाइम भी खरीद लिया, सब्सक्राइबर्स भी खरीद लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, चलने भी लगा, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका जो चैनल है उस पर से सब्सक्राइबर्स कम हो गए, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि YouTube क्या करता है, समय समय पर सारी चीज़ें अपडेट करते रहता है, सब कुछ चेक करते रहता है। तो जो सब्सक्राइबर्स उस सोशल वेबसाइट्स के थ्रू आपको मिला है, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेड सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्हें कभी ना कभी YouTube खुद हटा देगा, तो आपका तो ऐसे ही नुकसान हो गया। और किसी भी तरीके से YouTube को पता चला कि आपने इधर उधर से वॉच टाइम किसी भी तरीके से चीज़ें करके की हैं, अगर उसने एक्सेस कर लिया तो हो सकता है कि आपके चैनल को भी सस्पेंड कर दे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इन चक्करों में ना पड़ें, खुद के ऊपर बिलीव करें, खुद से वर्क करें और जितना आगे आपको जाना है आप जाइए। और सिंपल सी बात है, आप खुद के ऊपर बिलीव रखो, आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो भी इतने लेवल तक पहुँचे हैं, सब ऐसे ही कुछ कुछ करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब लोग जीरो से ही उठे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है YouTube कोर्स को लेकर के। बहुत सारे लोग YouTube कोर्स बना करके बेचते हैं YouTube के ऊपर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इन कोर्सेज को खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसी नौबत आपके साथ आए ही नहीं, आप इस तरह के चक्करों में पड़ो ही ना। वो इसलिए क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी YouTube कोर्स आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर, मतलब कि YouTube पे ही बिक रहे हैं या फिर जहाँ पे भी बिक रहे हैं, जो भी लोग बेच रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बस आपको अवेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो भी YouTube कोर्स होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपको YouTube के ऊपर ही बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बताया जाता है कि अपनी वीडियो को कैसे एडिट करना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखने हैं, टैग्स कैसे ढूंढने हैं, वायरल टैग्स कैसे ढूंढने हैं, ये इसी तरह की बेसिक चीज़ें उसके अंदर भी रहती हैं, ठीक है। बस फर्क यही होता है कि इस तरह के 10-15 वीडियोज़ बना करके एक ही जगह स्टेबल कर दिया जाता है और वो आपको 1000, 2000, 5000, 10000 में बेच दी जाती हैं, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ आप बहुत ही बेहतरीन लेवल की चीज़ें आप सीख सकते हो बिल्कुल ही फ्री में YouTube के ऊपर, और उन कोर्सेज से बेहतर ही सीख सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स अवेलेबल हैं YouTube के ऊपर जो कि फ्री में हर एक चीज़ सिखा रहे हैं, वो वीडियो एडिटिंग हो या फिर YouTube के ऊपर वर्क करना हो या फिर YouTube के बारे में सीखना जानना कुछ भी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें आपको YouTube पे फ्री में बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं और आप सीख सकते हो, ठीक है।
मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी टॉपिक है, वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप सिंपल से उससे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करो यूट्यूब पे। आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोज मिल जाएंगे और उन वीडियोज को देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा होता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि आपने कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज सर्च की तो उस तरह की वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिली है कि नहीं, आपका काम हुआ है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं बस सिंपल से आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर आप बिलीव करो और खुद से सारी चीज़ें करो, चीज़ों को सीखो और उसके ऊपर वर्क करो। मैं हमेशा ही अपने वीडियोज़ में आपको बोलता हूँ कि लर्न करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको खुद से सीखना है। अगर आप सारी चीज़ें खुद से सीख जाते हो, करना सीख जाते हो, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा और आप खुद के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इससे यही फायदा होगा। तो मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से पैसे आप बर्बाद ना करो, किसी भी तरह के कोर्स वोर्स के चक्कर में ना पड़ो, ना ही इस तरह के किसी वेबसाइट के चक्कर में पड़ो, क्योंकि आपका जो पैसा है बहुत ही कीमती है, बहुत ही मेहनत से लोग पैसे अर्न करते हैं, तो वो फालतू की चीज़ें में ना जाए। अगर आपको पैसे लगाने हैं तो इक्विपमेंट्स पे लगाओ, मतलब कि अच्छा स्मार्टफोन ले लो, माइक ले लो, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा बना लो, इस तरह की चीज़ों पर लगाओ तो समझ में आता है। लेकिन इन चीज़ों पर क्यों खर्च करना, ठीक है। और अगर आपके किसी भी तरीके के सवाल रह जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।